हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल फूड्स बेनिफिट्स, और मैं हूँ शबनम। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है गाइस। जैसा कि आप सभी ने देखा है, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी साइलेंट हार्ट अटैक क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उस पर। आई एम सो सॉरी गाइस के बिजी स्केड्यूल के कारण मैं पूरी डिटेल वीडियो नहीं बना सकी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि इसके क्या इलाज हो सकते हैं और इससे किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं खुद को। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। साइलेंट हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम एक्सेट्रा जांच की जा सकती है फ्रेंड्स, जिससे हार्ट में आ रहे बदलावों का पता करके इस सिचुएशन का पता लगाया जा सकता है। फिर बीमारी की सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिसमें एंजियोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी समेत तमाम कई और तरह के इलाज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका बचाव कैसे करना है। तो बचाव के जो नियम हैं वो हार्ट अटैक पर जो लागू होते हैं, वही साइलेंट हार्ट अटैक पर भी लागू होते हैं। बस इसमें जो सावधानियां होती है वो कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, ताकि प्रॉब्लम्स को पहचाना जा सके। लेकिन ज़रूरी है कि बॉडी में कभी कभी मामूली नज़र आने वाली दिक्कतें, जैसे जलन होना सीने में, एनर्जी का कम होना, टायर्डनेस लगना, इन सब को इग्नोर करने के बजाय आप डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम में अगर आप अलर्ट ना रहें तो कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बॉडी को एक्टिव रखें हमेशा, और इसके साथ ही न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, प्रॉपर हेल्दी डाइट आप लें, ताकि बाकी के अगर कोई भी डिजीज होने के चांसेस रहे तो उसका भी जोखिम कम रहे, और स्मोकिंग से जितना हो सके आप दूर रहें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और भी नई वीडियोस आप तक पहुँचे। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।